हेलो फ्रेंड्स, माय नेम नितेश कुमार साहब। आज हम बात करेंगे जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को जान लीजिए कि हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। आप जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक ही बार में सभी वीडियो को चढ़ा दिया है, ठीक है। प्लेलिस्ट को चेक करिए और जो भी बचा हुआ है उसको हम धीरे धीरे चढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू, हम स्टार्ट करें इस टॉपिक को। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि यदि आप डिप्लोमा के साथ साथ, ये डिप्लोमा लेवल का ही केवल है, इसमें बीटेक या अन्य एमटेक के स्टूडेंट्स है, इसमें आप नहीं देखे तो अच्छा होगा। हिंदी में आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि डिप्लोमा के स्टूडेंट क्या होते हैं कि अपना सिलेबस में हमेशा लगे हुए इसलिए रहते हैं। बीटेक या एमटेक के स्टूडेंट आपका 4 से 5 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन आप लोग लगे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि आप लोग को अब खुद सिलेबस का पता ही नहीं है। यूट्यूब से या इधर उधर से आप पढ़ोगे, ठीक है। बुक ऐसे ही बुक आपको मिलेगा जो कि आपका डिप्लोमा लेवल का नहीं होता, क्योंकि स्पेशल डिप्लोमा का कोई बुक आता ही नहीं है, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस बात को, इसी वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लॉस हो जाता है, ठीक है। तो आप कम से कम इस पर टाइम इन्वेस्ट करिए, अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। मैंने भी, मेरा 590 नंबर आया था, मैं जैसे बताता हूँ वैसे मैंने भी लिखा था, ठीक है। सो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं GP छपरा से था, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करें, मैकेनिक्स की बात करते हैं। एक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम फोर्स, ग्रेविटी, सिंपल मशीन ETC की अध्ययन करते हैं। इसके इम्पोर्टेंट टाइप की बात करें तो स्टैटिक मैकेनिक्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, स्थिर वस्तु के बारे में पता करते हैं, ठीक है, कि कोई वस्तु जो है स्थिर है तो क्यों स्थिर है, उस पर रिजल्टेंट फोर्सेस 0 होता है, ठीक है, तभी उसको स्थिर बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस को हम इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है। और आपका डायनेमिक मैकेनिक्स में, इसमें कोई वस्तु गति में है तो क्यों गति में है, उस पर कौन सा फोर्सेस अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से गति है, इन सभी बातों का पता इस डायनेमिक्स मैकेनिक्स में करते हैं। इसके बारे में दोनों को ही हम पीछे डिफाइन भी कर चुके हैं और आपका जो भी आपका इक्वेशन था उस सभी को हम बता चुके हैं, जो भी उदाहरण था सब दे चुके हैं। सो आप पिछले वीडियो को जाके देख लीजिएगा, सभी में अच्छे खासे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने दिया, पूरे चैप्टर को हमने कम्प्लीट करवा दिया, ठीक है। रिजिड बॉडी की बात करें तो ये एक ऐसा बॉडी होता है जिसपे हम बड़ा से बड़ा फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार के स्ट्रेन उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। लेकिन यदि स्ट्रेन उनमें उत्पन्न हो भी जाता है तो उस फोर्सेस को जैसे ही हटाते हैं जिसको आपने अप्लाई किया था, तो वो वापस अपने पुराने स्टेज में भी आ जाता है, ठीक है। तो इसी को रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और रिजिड बॉडी के उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला क्वार्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। क्वार्ट्ज, सिलिका, स्टील, रबर, ये सभी हो जाते हैं। क्वार्ट्ज का जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम सिलिकेट, इसको बोला जाता है CaSiO2 बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, सो आप सतर्क रहिएगा ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है। और मास, इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मास एक अदिश राशि होता है, ठीक है। इसका यूनिट जो होता है किलोग्राम होता है। वेट को भी मुझे नहीं लगता आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ये भी एक वेक्टर राशि होता है, ठीक है। यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको न्यूटन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है द्रव्यमान इनटू ग्राम होता है, ठीक है। चलिए अब फोर्सेस के बारे में देखिए, अपने फोर्सेस के बारे में, फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से किसी वस्तु के वेलोसिटी, साइज, डायरेक्शन ETC में चेंज लाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु पे अप्लाई करके उसके साइज को चेंज किया जा सकता है, वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है, डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, ये सभी को चेंज किया जा सकता है। और फोर्स का इक्वेशन जो होता है फोर्स बराबर m into a, ठीक है, वेयर m बराबर मास और a बराबर एसेलरेशन या त्वरण, ऐसा यूनिट न्यूटन। और एक न्यूटन की भी परिभाषा आपको सिलेबस में पूछा गया है, सो देख लीजिएगा। एक न्यूटन वह बल है जो किसी 1 kg के वस्तु पर 1 m/s² का त्वरण उत्पन्न करेगा, ठीक है। और उसके बाद कैरेक्टर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, या कैरेक्टरिस्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है। फोर्सेस को लगाकर किसी वस्तु के वेलोसिटी में चेंज लाया जा सकता है, जैसे उसको रोका जा सकता है या उसकी और भी स्पीड बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। फोर्स लगाकर वस्तु के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, ये आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। फोर्स लगाकर किसी वस्तु के साइज में चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल, ये सभी आपका कैरेक्टरिस्ट ऑफ फोर्सेस हो जाएंगे। चलिए अगले टॉपिक में भी हम 2 नए टॉपिक लेके आएंगे। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब